तो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इस बार हम आपको कुछ अलग सा दिखाएंगे, ना कि कोरोना वायरस या एलियंस या टाइम ट्रेवलिंग के बारे में या कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप लोग कोरोना वायरस के बारे में सुन सुन कर थक गए होंगे, इसलिए हम आपके लिए कुछ अलग सा वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको उस जीव के बारे में कहेंगे जो वाकई में खतरनाक है, जो वाकई में सबसे बड़ा जीव था, जो बड़ा था, जो ह्यूज था। कुछ लोगों का मानना है कि वो अभी भी उस डार्क डीप ओशन में जिंदा है। वो शार्क से भी बड़े थे। उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ मेगालोडॉन, ट्रूथ अबाउट द लार्जेस्ट शार्क दैट एवर लिव्ड। फिलहाल प्रेजेंट में तो वेल सबसे बड़ा जीव है जो समुद्र में रहता है, लेकिन वेल उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना ये शार्क्स और मेगालोडॉन हैं। वेल्स हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं और शार्क्स हमेशा गुस्से में रहते हैं। शायद मेगालोडॉन भी गुस्से में रहता होगा, लेकिन मेगालोडॉन्स तब भी थे जब डायनासोर हुआ करते थे हमारे धरती पर। हम सभी को पता है कि डायनासोर्स कैसे ख़त्म हो गए, उनका नाश होने का कारण क्या था। जब एक बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारे धरती पर हिट हुआ था, तब सारे के सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। तब मेगालोडॉन्स भी थे, लेकिन उस एस्टेरॉयड के कारण से मेगालोडॉन्स नहीं विलुप्त हुए थे। वो विलुप्त होने का कारण कुछ अलग था, ना कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड। तो उसका कारण क्या है जो मेगालोडॉन विलुप्त हो गए? करीब 30.5 लाख साल पहले की बात है जब मेगालोडॉन रहते थे। मेगालोडॉन ना कि एक बड़ी शार्क थी, लेकिन उनमें से थी जो सबसे बड़ी जीव जो कभी हुआ करती थी। मेगालोडॉन करीब 15 मीटर से 18 मीटर तक बड़ी होती थी, लगभग 3 गुना बड़ी, जो हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क पकड़ी गई है उससे 3 गुना बड़ी, और इनका वेट 70 टन तक होता था। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अब तक, ये इन्फॉर्मेशन बिना कोई मेगालोडॉन की स्केलेटन के बिना है। अभी तक मेगालोडॉन के स्केलेटन नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि जब वो मेगालोडॉन मरते थे उनका स्केलेटन समुद्र में जल्दी से ही डिकम्पोज हो जाता था। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है कि वो कितना खाते थे, उनका साइज़ क्या था, सब कुछ, कि वो कैसे दिखते थे, वो हमें उनके दांतों के बदौलत मिली है। उनका हर एक दांत 18 सेंटीमीटर का होता था, यानी 7 इंच। इनफैक्ट मेगालोडॉन का मतलब लार्ज टूथ, बड़े दांत वाला। ये दांत बहुत कुछ बोल सकते हैं कि वो कितना खाते थे, कैसा लग दिखते थे और बहुत कुछ। तो व्हाट डिड मेगालोडॉन ईट? वह क्या खाते थे जिंदा रहने के लिए उस टाइम पर? वह बड़ी जीव मीट, जैसे कि वेल्स और बड़े फिशेस और दूसरे शार्क्स खाते थे। अगर आप एक बड़ी मैग होते तो आप क्या खाते थे, आपको क्या खाना पड़ता था? साइंटिस्ट का कहना है कि मेगालोडॉन हर दिन 1 टन खाना खाना पड़ता था जिंदा रहने के लिए, जैसे कि सी लायंस, सी काउ और डॉल्फिन्स और बड़े हम्पबैक व्हेल्स। इन्हें खाकर मेगालोडॉन जिंदा रहते थे, ये खाकर उनका गुजारा हो जाता था। कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहने वाला हूँ कि जब एक मेगालोडॉन का दांत टूट जाता था कोई भी अटैक पर या कैसे भी, लगभग कुछ ही समय पर उसी जगह पर एक नया दांत उग जाता था। है ना एक इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट? इसी बात पर नीचे कमेंट करिए और इसी बात पर लाइक ज़रूर करिएगा। रिसर्चर्स को एक फॉसिल मिला है जो एक वेल का है जो कुछ मिलियन ईयर्स पुराना है। उस वेल पर एक मेगालोडॉन ने हमला किया था, लेकिन वो वेल उस मेगालोडॉन के हमले से बच गई थी। उस वेल के रिबोन पर मेगालोडॉन का दांत फंसा हुआ है। अटैक्स ऑफ मेगालोडॉन। मेगालोडॉन कैसे अटैक करते हैं? जब उन्हें दिन के लिए 1 टन खाना खाना पड़ता था तो वो बड़े जीव खाते थे, ना कि ये छोटे मछलियाँ। उन्हें वेल्स, सी काउज और दूसरे बड़े जीव खाना पड़ता था। अपना अटैक पर अपना मुंह बहुत बड़ा खोलते थे, अपना जबड़ा बहुत ही बड़ा खोलते थे, लगभग 2.7 से 3.4 मीटर्स वाइड अपने जबड़ा खोलते थे, बहुत बड़ा जबड़ा खोलते थे। उसमें आसानी से 2 अडल्ट लोग साइड बाय साइड आराम से घुस सकते थे, और इंसान का लगभग 1317 न्यूटन फोर्स बाइट फोर्स यूज़ करते हैं, और ग्रेट वाइट शार्क का बाइट फोर्स लगभग
18,216 न्यूटन होता है। इसके हिसाब से साइंटिस्ट का मानना है कि मेगलाडॉन का बाइट फोर्स होगा लगभग 1,08,514 से 1,82,201 न्यूटन फोर्स। दी मेगलोडॉन्स बेबीज, मेगलोडॉन्स के बच्चे। फीमेल मेगलोडॉन्स अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कोस्टल एरियाज जाते थे। उनके बेबीज का साइज लगभग 6.5 से 11 फीट का होते थे। मेगलोडॉन्स के बच्चे का वेट 2 से 3 टन का होता था। वहीं पर 1 साल तक डॉल्फिन्स और टर्टल्स का शिकार करना सीखते थे, और उस वक्त टर्टल्स का साइज लगभग बहुत बड़ा होता था। जब वो आखिरकार बड़े हो जाते थे, वो समुंदर में वापस चले जाते थे बड़ा शिकार करने के लिए, जैसे कि वेल्स, सी काउस और आदि। उनके पास 276 टीथ होते थे, यानी दांत, जो हर एक दांत करीब 18 सेंटीमीटर्स के होते थे, यानी 7 या 7.5 इंच के। मेगालोडॉन वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लोकेशन में रहते थे और उन्हें वहीं जगह पर रहने के लिए बने थे, ना कि कोल्ड रीजन्स पर। वह हर जगह पर थे, हर कॉन्टिनेंट पर थे, एंटार्क्टिका छोड़ के। उनके दांत ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और द कोस्ट और बॉटम ऑफ साल्ट वाटर में भी थे, और नॉर्थ कोरलिना, साउथ कोरलिना और फ्लोरिडा में भी। मेगालोडॉन के फॉसिल्स जो ऑलमोस्ट सिर्फ उनके दांत के हैं। शार्क्स हर एक या 2 हफ्तों में अपने एक सेट दांतों का तुड़वा देते थे, चाहे वो अटैक्स करने से हो या फाइट करने से। हर मेगालोडॉन अपनी जिंदगी में 40,000 दांत तुड़वा देती थी। दांत सबसे हार्डेस्ट पार्ट था उनके स्केलेटन में। मेगालोडॉन करीब 30.5 लाख साल पहले विलुप्त हुए थे। कैसे, बताता हूँ। जब हमारा प्लैनेट ग्लोबल कूलिंग के फेस में चला गया था, तब इन मेगालोडॉन को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। इनको बहुत इफेक्ट हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि 1/3 ऑफ सारे लार्ज मरीन एनिमल्स, जैसे 43% टर्टल्स और 35% सी बर्ड्स, इस ग्लोबल कूलिंग की वजह से विलुप्त होने लगे। जैसे टेम्परेचर गिर गया, वैसे ही ये एनिमल्स विलुप्त होने लगे। एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब भी मेगेलेडॉन मौजूद है डीप डार्क ओशन में? कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे लगता है कि अभी भी मेगेलेडॉन हो सकते हैं, सिर्फ लगता है। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हवाई की है। 21 जनवरी 2009 में ये वीडियो ली गई थी, जो एक पिता और उसके बेटे ने ली थी। आप थोड़ा गौर से देखिए, वो मेगेलेडॉन नहीं है, वो एक वेल है जो किनारे पर मरी हुई है। उस वेल पर एक हमला हुआ था, उसके टेल गायब है, जो दिखने पर कोई आम शार्क नहीं कर सकती। पूछताछ पर एक लोकल मराइन बायोलॉजिस्ट ने कहा कि जो एनिमल वैसा बाइट कर सकता है, वो कोई आम शार्क नहीं कर सकती। कर सकता है तो वो एक बड़ा सा मेगालोडॉन हो सकता है, या कोई मेगालोडॉन का साइज का एनिमल। और एक और फोटो है जो एक वॉलेंटियर जो इस शार्क को एक वेल पर अटैक कर रहा था, तब इस फोटो को लिया गया था। यह फोटो हाल ही की है, 15 अप्रैल 2013 की, जो साउथ अफ्रीकन कोस्ट से ली गई है। साउथ अफ्रीका एक गर्म रीजन है और मेगालोडॉन को वार्म रीजन्स बहुत ही पसंद है। इस फोटो में यह शार्क का डोर्सल फिन जो पानी के ऊपर है, वो 6 फीट का है। डॉर्सल फिन जो कि लगभग एक एवरेज आदमी जितना बड़ा है। जो एक और फोटो है, वो फोटो एक मॉन्स्टर जो ग्रेट व्हाइट शार्क से लगभग बहुत बड़ी है। ये फोटो अनकवर्ड है, जो नाजी के टाइम पर ली गई थी। उस फोटो में उसका बड़ा सा फिन दिख रहा है, जर्मन यू बोट्स के पास। ये फोटो भी साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका के केपटाउन सिटी, जो कि 18 दिसंबर 1942 में ली गई थी। उस डॉर्सल फिन से उस टेल की दूरी 64 फीट की है, और यह दूरी इस मॉन्स्टर को करीब 100 फीट बड़ा बनाती है। यह असली में एक मॉन्स्टर है। और एक और फुटेज है जो ब्राज़ीलियन कोस्ट गार्ड एरियल ने ली है, जो उस जीव को 60 फीट बड़ा बताता है, और वो एक वेल नहीं है। यह वीडियो 20 नवंबर 2013
2012 में ली गई थी जो इस वीडियो में दिख रहा है। मिस्डिट, थोड़ा गौर से देखिए राइट कॉर्नर पर, देखा नहीं तो रिवाइंड कीजिए, और इसी बात पर तो एक लाइक बनता है, इसी बात पर शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिएगा। और पहले के दो फोटो को कंपेयर करें तो लगभग सेम है, और करीब 70 साल से वहाँ पर एक 50 टन का मॉन्स्टर वहाँ साउथ अफ्रीका में हरकत कर रहा है, और एक वीडियो जो पैसिफिक ओशन में कैमरा लगाया गया था वहाँ के गवर्नमेंट ने, उस वीडियो में एक बड़ा सा फिन मिला है। थोड़ा गौर से देखिए, वो एक बड़ा मॉन्स्टर का फिन है, क्या मेगालोडॉन? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को देखकर कैलकुलेशन कर उन रिसर्चर्स को लगता है कि वो 62 फीट की थी जो एक मॉन्स्टर ग्रेट वाइट शार्क से बड़ी थी। क्या आपको लगता है कि मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है डीप डार्क ओशन में? क्या वो अपना एहसास जता रही है? क्या वो कुछ कहना चाहती है? तो कमेंट करिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते वक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।